ये हमारे देवर जी हैं, हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हमें। वो देखिए सीसीटीवी कैमरा। अरे यही हमारे देवर जी हैं। मिस्टर जी रुकिए, उसमें देवर जी। देख तेरा भाई विशु इस रावण की आग में जल रहा है। अगर विशु जी को कुछ हो भी जाता ना, तब भी हम सारी जिंदगी उनकी विधवा और तेरी कातिल बनकर गुजारते। वो देख, आप लोग यहां विशु का ख्याल रखिए, मैं उसे देखता हूं। रागिनी तुम चलो मेरे साथ। किधर चला गया वो? मेरे हाथ लगेगा ना तो उसको यमलोक पहुंचा देंगे। अनुराग अपनी रीको से बाहर निकल, माफी मांग रागिनी से, नहीं तो देर हो जाएगी। रागिनी, इधर आ, चुप रहा था। अभी तू जानती नहीं मेरे को, छोड़। तेरे को दिखाते अभी हम लोग। तेरी हिम्मत कैसे हुई रागिनी को हाथ लगाने की? मिशन रुक रागिनी। सृष्टि जी, वो शेखर है ना, बहुत ही कमीना आदमी है, हमें उसे भागने नहीं देना चाहिए, हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो यहाँ। विशु जी आप बैठिए, रागिनी गई है उसके पीछे, आप बैठिए यहाँ पर। सृष्टि जी, ये चोट आपको मेरी वजह से लगी है ना? नहीं, ये बस ऐसे। सृष्टि जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत गलत समझा। इस घटिया आदमी को गिरफ्तार करने से पहले सबके सामने ले चलो। इस रावण की घिनौनी सूरत पहले सबको देखनी चाहिए। अगर हम भी थोड़े से समझदार होते तो वो शिखर ये सब कभी ना कर पाता। हमें माफ कर दीजिए सृष्टि जी। आप ऐसा मत कहिए विष्णु जी, हमें नहीं चाहिए समझदार आदमी, हमें आपका भोलापन ही अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हैं विशु जी, आपकी कोई गलती नहीं, आपने तो बस वही देखा जो आपको दिखाया गया। गलती तो हमारी है, हमें अपने सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, हमें आपके साथ रहकर आपका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं किया। हमें माफ कर दीजिए सृष्टि जी। भी मत जाओ, प्रेम का जो चक्की चल रहा है उसमें तुम भी फंस जाओगी, समझी?
सृष्टि जी, आपने हमें माफ तो कर दिया है ना? कमीने, धोखेबाज, आस्तीन के सांप, यही शिक्षा दी थी मैंने तुझे। अरे मैंने तुझे अपना बेटा माना और तू मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने चला था, ये गुरु दक्षिणा दी है तूने मुझे? बोल। अरे चाचा जी छोड़िए, कहां आप अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? अरे इस ससुरा को तो पुलिस का सोटा काम आएगा इसके ऊपर। अरे ले जाओ साले को खूंटा में बांध के मारो सोटा सोटा। चलिए चाचा जी आइए। धन्यवाद बिटिया हमें यहां बुलाने के लिए और इस दरिंदे का असली चेहरा दिखाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रागिनी, हमने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो हमें माफ कर दो। हमने सबके साथ भी गलत बिहेव किया, लेकिन शायद इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। सुन लिए, अब तो सारा सच्चाई समझे में आ गया होगा ना आपको। मिस्टर जी, जरूरी नहीं है कि जो हाथ कलम पकड़ते हो वो हमेशा सही हो और बंदूक पकड़ने वाले हाथ हमेशा बुरा ही करें। हमारा तो ना ये नसीब खराब है, हम या हमारी फैमिली अगर सब्जी काटने के लिए अगर चाकू भी पकड़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि किसी का गला काटने जा रहे हैं। कैसे बिना सोचे समझे आपने उस दिन हमारे भाई को थप्पड़ मार दिया था? ये भूल गए थे कि हमारा भाई ना चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो उस घर की इज्जत के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा जहां उसकी बहन की शादी हुई हो। खैर जो हुआ सो हुआ, आप ना अपने भाई से पूछिएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। फिलहाल ना हमने आपसे कुछ वादा किए थे, उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। लेकिन आगे ने मेरी बात आज हम बोलेंगे। और आप सुनोगे मिस्टर जी, हम मानते हैं कि आपका और हमारा जोड़ा ना बेमेल था, लेकिन हम पूरा कोशिश किए कि वो कभी बेमतलब साबित ना हो। लेकिन फेल हो गए। एक बात तो ना हम बहुत अच्छे से समझ लिए कि किसी से ना जबरदस्ती प्यार नहीं करा सकते। आपसे वादा किए थे ना कि जिस दिन खुद को निर्दोष साबित कर देंगे उस दिन आपको इस अग्नि फेरा के बंधन से ना हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। बहू, हम जा रहे हैं। कभी हमसे कुछ भूल चूक हुई हो ना, तो हमारा पागलपन समझ के ना हमें माफ कर देना। एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, जो शादी मंडप में मन थड़ के हुआ था ना, हम नहीं चाहते कि वो गोरट के दलील के साथ तोड़ा जाए। तो कुरट पुरट का चक्कर ना में पालना ही नहीं है। हम आपको ऐसे ही सब रिश्ते से मुक्त कर
भाभी विद्वान जी, ईश्वर कभी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करता है। आप देखिएगा, अनुराग पूरी तरह अच्छा हो जाएगा। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। मिस्टर जी, अपनी जान जोखिम में डाल ली है आप हमारे लिए, हमारी गुली अब खाली है। अपनी जान जोखिम में काहे डाले मिस्टर जी? मिस्टर जी, आप ऐसा कहें कि हमारे लिए गोली खा ली है मिस्टर जी? हम समझ में नहीं आ रहा, हमारे लिए हम गोली काहे काहे के साहब हमें मरने देते तो हम मर जाते तो क्या फर्क पड़ता? रागिनी, रागिनी अपने आप को संभालो। ये तुम क्या बोल रही हो? जल्दी वो मिस्टर जी हम पे गोली चलने वाली थी, वो गोली खा ली, अपनी जान जोखिम में डाल दी हमारे लिए, हमें समझे में नहीं आ रहा। ये सारी फालतू की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और प्रे करो कि अनुराग जी जल्दी ठीक हो जाए। हे राम जी, हम जानते हैं कि हम बहुत सा ऐसा काम किए हैं जिसे अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन हम कभी भी किसी निर्दोष को नहीं सताए हैं। और हमारे मिस्टर जी वो तो एकदम गाय जैसे है, वो तो चींटी को भी सारी बोलने वाले हैं, लेकिन हमारा सजा उनको मत दीजिए भगवान जी, उनको बचा लीजिए। हम ना आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते थे, अच्छा हुआ आप हमें यहाँ पे मिल गए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि मिस्टर जी अपनी जान जोखिम में डाल दिए हमारे लिए,
हमें तो वो पसंद ही नहीं करते हैं ना, अगर हमें कुछ हो भी जाता तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन फिर भी वो अपनी जान जोखिम हमारी जान बचाने के चक्कर में वो अपनी जान से लड़ाई लड़ रहे हैं। माता रानी कुछ अनहोनी मत होने देना, मिस्टर जी की जान बचा दीजिए, हमारे लिए वो अपनी जान जोखिम है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र, बेटा सही सलाम। लेकिन 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 कहाँ डॉक्टर साहब? देखिए गोली उनके दिमाग के नस को छू कर गई है, और ऐसे केसेस में एक तो पेशेंट की आंखों की रोशनी या कोई और एबिलिटी अफेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। फिलहाल उसके बारे में कोई कहा नहीं जा सकता अभी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा ही हो। हम एक बार मिस्टर जी से मिले एक बार। देखिए आप सब यही इंतजार कीजिए, हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करवा रहे हैं, उनको होश आते ही आप मिल सकते हैं उन्हें। हाँ लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। बोले बाबा सब ठीक करेंगे बेटा जी, परेशान मत होइए आप। समदन जी ये सब कैसे हुआ? दामाद जी पर किसने हमला किया? कैसे हुआ और किसने किया ये सब जरूरी नहीं है, इसकी वजह से हुआ है ये जरूरी है। अरे जब से हमने हमारा दोनों बेटा का शादी किया है ना, तब से पता नहीं हमारा घर का खुशियों को तो नजर लग गया, हर दिन कोई ना कोई बवाल मचता ही रहता है। दूल्हा बेटा का जिंदगी ना नरक बन गया है। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। मिस्टर जी